दोस्तों एक नई वीडियो आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक इन्वर्टर है दोस्तों, यहाँ पे हमारी बैटरी है दोस्तों। कनेक्शन कहाँ कहाँ देना है दोस्तों, यहाँ पे हमें कनेक्शन देना है दोस्तों। एक रूम में इस कनेक्शन देना है दोस्तों, एक रूम में हमको यहाँ पर कनेक्शन देना है। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, कनेक्शन देना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, किस प्रकार हम लोग कनेक्शन देते हैं तो आपको यहाँ बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा प्लग है और यहाँ प्लग है दोस्तों, यहाँ पर हमारी बैटरी है दोस्तों, जो कि लिवगार्ड कंपनी की है। यहाँ पे देखिए लिवगार्ड कंपनी की दोस्तों, ये लुमिनस की ब्रांड होती है, 150 एएच की है, C10 है। यहाँ पे देख लीजिए C10 है दोस्तों, 60 मंथ वारंटी के साथ हमें बैटरी मिली है। मॉडल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है LS15 15060 5TT, ठीक है। टाल ट्यूबुलर बैटरी है दोस्तों। इसका हम लोग आज प्रॉपर कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो हमारे पास इसके पास इन्वर्टर जो अटैच किए हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर है ये देख लीजिए माइक्रोटेक कंपनी का है। यहाँ पे डिजिटल कंपनी का, डिजिटल माइक्रोटेक कंपनी का है। यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी वीलॉब लिखा हुआ है दोस्तों। 925 VA का यहाँ पे इन्वर्टर है E2, ठीक है। इसका हम लोग प्रॉपर कनेक्शन देखेंगे, किस प्रकार इन्वर्टर कनेक्शन को हम लोग करते हैं। तो देख लीजिए वहाँ पे हम लोग को करना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हमको पावर सप्लाई देना है दोस्तों। उसके बाद अगर यहाँ पे इन्वर्टर का तार होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक बोर्ड हमारा यहाँ पे है, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बोर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए पहले हम लोग इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड को ओपन कर लिया है और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर तार है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा रेड वाला तर फेस तार है, यहाँ पे दोस्तों ये न्यूट्रल तार है और ये हमारा दोस्तों बॉडी अर्थ का तार है, ठीक है। ये दोस्त यहाँ पर है। और दोस्तों इन्वर्टर की तार की बात करें दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे इन्वर्टर तार है। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे दोस्तों, इसमें करंट तो नहीं आ रहा है कहीं से इन्वर्टर से, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्शन कैसे करना वो हमको दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करें, यहाँ बोर्ड को खोल लिए हैं। यहाँ आप देख लीजिए हमने बोर्ड को खोल लिया है दोस्तों। यहाँ हमने इन्वर्टर को ला दिया है, देख लीजिए यहाँ इन्वर्टर ला दिया है। इन्वर्टर लाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाला तार प्लस में लगाना है दोस्तों, माइनस वाला तार दोस्तों यहाँ पे माइनस में लगाना। चलिए उसको हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ दोस्तों जब भी आप कभी काम करिए, देखिए प्लस का इस तरह चिन्ह लगा रहता है। तो यहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह दिखेगा और यहाँ पे हमारा माइनस का चिन्ह दिखेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा माइनस का चिन्ह दिख रहा है दोस्तों। कभी कभी ये चिन्ह ऐसा रहता है, कभी कभी जो हमारे टर्मिनल होते हैं दोस्तों ये रेड और ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर रेड का और ब्लैक का सिंबल बना रहता है दोस्तों यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये मिट जाता है। तो आपको हमेशा यही देखना है, माइनस वाला और प्लस वाला, ठीक है दोस्तों। अगर कभी मान लीजिए इसको आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, बाई चांस कहीं गलती हो गया, आपको प्लस वाला माइनस में लग गया और दोस्तों माइनस वाला अगर प्लस में लग गया, तो दोस्तों उस अवस्था में क्या हो सकता है, बहुत लोग मन में क्वेश्चन होता है कि हो सकती है कि बैटरी खराब हो जाए, इन्वर्टर खराब हो जाए। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अगर आपसे गलती हो जाती है प्लस माइनस लगाते समय, तो दोस्तों इन्वर्टर के अंदर एक DC फ्यूज लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, DC फ्यूज। वो DC फ्यूज हमारा उड़ जाता है। तो दोस्तों मार्केट में 20 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का मिलता है 2 पीस, ठीक है। आप उसको बदल सकते हैं अगर आपसे कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए दोस्तों। और ये आपको बता देते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखिए बैटरी को टाइट कर दिया है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइट कर दिए हैं और माइनस वाला हम लोग यहाँ टाइट करेंगे, हल्का सा स्पार्किंग होगा। तो दोस्तों स्पार्किंग हुआ तो उसमें आपको क्या करना है, आपको बताने दोस्तों हमने माइनस वाला ये लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ से हल्का सी स्पार्किंग हुआ दोस्तों, आपको यहाँ पर डरना नहीं। जब भी दोस्तों काम करिए आप सेफ्टी के साथ काम करिए। और जो भी नट देखिए आप, हल्का स्पार्किंग हो गई, देखिए देख लीजिए हल्का स्पार्किंग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये दोस्तों DC करंट होता है, DC करंट तो घातक होता है, लेकिन दोस्तों वोल्टेज कम होने की वजह से यहाँ हमें शॉक का एहसास नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा जो वोल्टेज रहता है दोस्तों 12 वोल्ट रहता है। चलिए इसको हम लोग इस तरह से लगा देते हैं दोस्तों। लगाने के बाद हम लोग इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर नट को टाइट कर दिए, यहाँ पर हम लोग नट टाइट कर दिए दोस्तों। हो सके तो आप यहाँ दोस्तों वैसलीन वगैरह या दोस्तों ग्रीस लगा दिए। हमने यहाँ देख लीजिए यहाँ वैसलीन लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्रीस नहीं, हम लोग क्या लगा देते, वैसलीन लगा देते दोस्तों। एक भाई साहब ने कमेंट किया था दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वैसलीन क्यों लगाते हैं, तो आपको बता देते दोस्तों। हमारा ये जो बैटरी का टर्मिनल दोस्तों लेड होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में दोस्तों रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पर कार्बन जम जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वैसलीन या ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होती, इससे हमारा कार्बन नहीं जमता, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको लगा देते हैं और ठीक है ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान, इससे क्या होगा दोस्तों आपकी बैटरी की लाइफ का बैकअप भी बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारे बैटरी में कार्बन आ गया है, टर्मिनल पे कार्बन आ गया है, दोस्तों आपको हमेशा हल्का सा पानी को गुनगुना कर लेना और इसको अच्छे से बैटरी के नट को खोल के एक बार फिर टाइट कर देना। इससे क्या होता है बैटरी का बैकअप हो जाता है। अगर दोस्तों सपोज दैट मान लीजिए आपकी लो बैटरी आपको शो कर रहा है, अगर इस मान लीजिए इन्वर्टर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है, बाई चांस आपको बैटरी लो शो कर रहा है। दोस्तों बैटरी लो दो कंडीशन में शो करता है, पहला कंडीशन होता है या तो बैटरी खराब हो जाएगा तब बैटरी लो शो करेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यदि ये टर्मिनल हमारा ढीला रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर हीट होगा तो भी बैटरी लो शो करेगा, ये हो सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ इसको कनेक्शन कर दिए हैं और कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों बात करें पानी का तो दोस्तों यहाँ पर जो पानी को चेक करना है दोस्तों, हर 3 महीने पानी को चेक करना है। ये आप देख रहे हैं वाटर लेवल इंडिकेटर, ये दोस्तों अगर डाउन हो जाएगा तो आपको यहाँ बैटरी का पानी डालना है। दोस्तों ध्यान रहे अगर आपकी बैटरी खराब हो जा रही है, मतलब बैटरी में पानी सूख जाए और उसमें पानी डालना हो तो दोस्तों हमेशा पावर सप्लाई को बंद करके फिर बैटरी में आपको पानी डालना है, ठीक है ये चीज ध्यान रखनी है, बैटरी ब्लॉक हो सकती है। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इन्वर्टर को इस तरह से रख देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ बैटरी इन्वर्टर को फिट कर लिया है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों ये हमारा चार्जिंग प्लग है, ये हमारा चार्जिंग प्लग है और दोस्तों इसको हमको चार्जिंग में लगाना है, ठीक है। और ये वाला हमारा इन्वर्टर का तार, ये वाला इन्वर्टर का तार कहाँ पर लगाना वो हमको बताते हैं। चलिए इसको अभी हम लोग इस तरह रख देते हैं, कनेक्शन का हमारा फेस है तो यहाँ देखिए दोस्तों एन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ हमारा एल दिया हुआ है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान, अगर इस पर दोस्तों गलती कर देंगे तो आपका इन्वर्टर ब्लिंक करेगा, ब्लिंकिंग करेगा, लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले जैसे दोस्तों हमको ये वाला प्लग को इस तरह हमको लगाना है, ठीक है यहाँ पर हमको लगाना है। तो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ एल लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान देखिए एल लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको दोस्तों, यहाँ एल लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमको देखना है। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक कर लेना है, ऐसे लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बटन चालू करके यहाँ दोस्तों चेक कर लेते हैं हमारा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ चेक कर लें, यहाँ पर हमारा कोई लाइन वगैरह नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल आ रहा था और हमारा यहाँ फेस आ रहा था, हमने मेन सप्लाई चलते हैं उसको चेंज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लाइन उल्टी आ रही थी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया सीधा कर दिया। देख लीजिए दोस्तों ये हमारा मेन पावर का केबल है और यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रल आ रहा, अब न्यूट्रल आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा फेस आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे आ रहा है फेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमने लाइन को चेंज कर दिया, अब चलिए वहाँ चलते हैं ऊपर देखते हैं लाइन सीधी हुई या नहीं हुई। यहाँ दोस्तों हम लोग सप्लाई को चेंज कर दिया, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं दोस्तों कि फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लीजिए अब हमारा यहाँ पर फेस सप्लाई आने लगा और हमारा यहाँ पर न्यूट्रल आने लगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग सिंपली लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों हमारा लाइन है, यहाँ पर लाइन है दोस्तों और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल है, इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखिए, देखो इधर से ऊपर यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसको लगा देते हैं और हमारा यहाँ पर चार्जिंग देखिए, चार्जिंग लिंक करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करें, दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है दोस्तों अभी वोल्टेज कम आ रहा है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग नहीं शो कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आपको मीटर से भी शो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्टेज कम होने की वजह से दोस्तों हमारा यहाँ चार्ज नहीं कर रहा है। अभी दोस्तों हमारे इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। अभी हम यहाँ पर देखिए सप्लाई लगाए हुए हैं तो भी हमारा चार्ज क्यों नहीं कर रहा है, दोस्तों यहाँ वोल्टेज का इशू है। चलिए इसको हम लोग देख लें ये हमारा सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बूफर रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बूफर का प्लग हम लोग लगाते हैं। देख लीजिए ये हमारे पास बूफर का प्लग है और लगाते हैं, देखते हैं कि हमारा कहीं ये तो नहीं गड़बड़। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको प्लग को, यहाँ प्लग को निकाल लेते हैं, यहाँ पर बूफर वाला प्लग लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर में जब वोल्टेज कम रहा है, यहाँ हमने देख लीजिए यहाँ लगा दिया है और यहाँ स्विच को ऑन कर दिया है। यहाँ देख लीजिए हमारा जो स्पीकर है दोस्तों, ये हमारा देखिए यहाँ पर लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर देख लीजिए छोटी सी लाइट आपको जल रही है, यानी हमारा बूफर में करंट जा रहा है और यहाँ दोस्तों पावर सप्लाई आ रही है। बट दोस्तों ये हमारा चार्ज क्यों नहीं कर रहा है, दोस्तों इस इन्वर्टर में एक ये प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, जब वोल्टेज कम हो जाता है तो दोस्तों चार्जिंग नहीं करता। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कितना वोल्टेज है जो हमारा ये चार्ज नहीं कर रहा है। दोस्तों हम यहाँ पे एक मीटर लाए हैं जो कि एसी वोल्टेज पे हम लोग सेट कर लिए हैं। यहाँ देख लिए हम लोग एसी वोल्टेज चेक कर ले। यहाँ आप देखते दोस्तों जो हमारा ये चार्ज नहीं कर रहा है, क्यों नहीं चार्ज कर रहा है, तो ये दोस्तों इन्वर्टर बिल्कुल सही था, ओके नीचे चल रहा था, हमने ऊपर इसको शिफ्ट करने के लिए लाया था। तो दोस्तों ये क्यों नहीं चार्ज कर रहा, चलिए यहाँ पर देख लिया। हमने यहाँ पे एसी वोल्टेज पे देखिए सेट कर लिया है। हम क्या करते हैं, इस पर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ लगाते हैं, ये सॉकेट में लगाते हैं, यहाँ पर ब्लैक वाला न्यूट्रल लगाते हैं, इधर दोस्तों फेस लगाते हैं, और मीटर पर देखिएगा दोस्तों कितना वोल्टेज शो कर रहा है। इधर देखो तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लगभग 170 वोल्टेज आपके पास शो कर रहा है। दोस्तों जब ये 180 या 200 के ऊपर होगा तभी हमारा यहाँ पर दोस्तों इन्वर्टर चार्ज करेगा। अभी दोस्तों वोल्टेज बहुत कम है, देख लीजिए 171.7 वोल्ट यहाँ पे दोस्तों शो कर रहा है। इसीलिए दोस्तों हमारा ये चार्जिंग जो हमारा ये इन्वर्टर दोस्तों चार्ज नहीं कर रहा है। जैसे ही दोस्तों वोल्टेज बढ़ेगा ये चार्जिंग मोड पर आ जाएगा और चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से हम लोग इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। दोस्तों कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, जब इन्वर्टर का दोस्तों वोल्टेज कम रहता है तो क्या होता है, वो चार्ज नहीं होता। तो इसमें हम लोग प्लग लगा देते हैं, नट लगा टाइट कर देते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों ग्राहक है वो भी उनको भी कंफ्यूज हो गया, हमारा इन्वर्टर चल रहा था दोस्तों क्यों अब नहीं चल रहा था। उनको मैंने बता दिया कि यहाँ पर वोल्टेज इशू है, जब वोल्टेज दोस्तों कम रहेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्टर हमारा नहीं चलेगा। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टर का तार है यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लेते हैं कोई फेस वगैरह तो नहीं आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर हमारा फेस नहीं आ रहा और यहाँ पर दोस्तों हमारा यूपीएस ऑन शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोग पीछे आते हैं, इन्वर्टर के पीछे आते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ पर करंट आ रहा है। दोस्तों इस साइड हमारा करंट आ रहा है और इस साइड हमारा करंट नहीं आ रहा। तो जिस साइड हमारा दोस्तों फेस आ रहा है वहीं पर हमारा ये सिंगल वाला देख रहे हैं, ये सिंगल तार को हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दोस्तों इस तरह से लगा देंगे। कोशिश करिए यहाँ पर प्लग लगा दीजिए, यहाँ पर अभी प्लग नहीं, प्लग बाद में लगा देंगे। दोस्तों हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। लगाने के बाद हम तो इस तरह यहाँ पर इसको छोड़ दिए हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ पे लोग लगा दिए हैं, देख लीजिए यहाँ से इस तरह से अंदर तार दोस्तों अंदर यहाँ पे आया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये बोर्ड को हमने ओपन करा, अभी जस्ट ओपन किया है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा तार ये है दोस्तों, एक ऊपर गया है, तो एक दोस्तों नीचे से आया हुआ है, एक ऊपर गया है कहीं और के लिए। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर फेस आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए दोस्तों वही फेस आ रहा है जो वहाँ इन्वर्टर का फेस है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर बंद कर देंगे, यहाँ देखो यहाँ, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे इन्वर्टर बंद कर देंगे, यहाँ पे इन्वर्टर बंद कर देंगे तो देखिए फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ फेस नहीं आ रहा है। इन्वर्टर चालू करेंगे यहाँ पे दोस्तों तो हमारा यहाँ फेस जाने लगेगा। चलिए अब हम लोग को दोस्तों कैसे कनेक्शन करना है वो हमको यहाँ पर देखना है। यहाँ देखिए फेस आ रहा है, अभी क्या करना है दोस्तों, ये देख लीजिए लाइन का फेस, यहाँ पर दोस्तों लाइन को फेस को हमको कट करना है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो फेस आ रहा है दोस्तों, ये देखिए जो रेड वाला है दोस्तों लाइन का फेस आ रहा है। तो हमको क्या करना है, जो लाइन का फेस आ रहा है दोस्तों उसको कट करना है, हमको इन्वर्टर का फेस लगाना है। चलिए यहाँ से हमारा लाइन का फेस जा रहा है, देखो पास यहाँ हमारा लाइन का फेस जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों लाइन का फेस आ रहा, तो लाइन वाला फेस को हमने यहाँ पर दोस्तों निकाल लिया है। देख लीजिए यहाँ पर लाइन का फेस जो आ रहा है यहाँ निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसको हमको हटा देना है, यहाँ दोस्तों इसको हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ से जो यहाँ पर हमारा लाइन का फेस आ रहा था उसको मैं कट कर दिया हूँ। अभी क्या करना, हमको इन्वर्टर का फेस चालू करेंगे तो हमारा यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों। वहाँ पर देख रहे हैं ये लाइट दोस्तों, एक लाइट वहाँ दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है, वहाँ बंद हुई है लाइट, और दोस्तों यहाँ पर एक लाइट बंद हुई है। इसको हमको इन्वर्टर कनेक्शन करना है। और हमारा देखिए अभी फैन नहीं चल रहा है, तो इसको भी हमको इन्वर्टर पर कनेक्शन करना है। जैसे दोस्तों इन्वर्टर का तार हम जोड़ेंगे, यहाँ पर व्हाइट वाला तार जोड़ेंगे, हमारा पंखा और लाइट चलना स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ पर जोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों स्विच को हम लोग ऑन करते हैं, यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया तो देख लीजिए दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर का कनेक्शन था, यहाँ पर दोस्तों पंखा चलने लगा और वो वाली लाइट जो है उसको हमको इन्वर्टर करना है, वो चलने लगा, ठीक है दोस्तों। ये अब हमने यहाँ पर चेक कर लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों टोटल यहाँ पर लगभग कई फैन चल रहे हैं हमारे इन्वर्टर से, तो उसका हम लोग करंट भी चेक कर लेते हैं। अभी हमारा देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों वोल्टेज कम होने की वजह से हमारा जो पंखे का स्पीड था दोस्तों स्लो था। अभी जैसे दोस्तों यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पंखा लाइट बंद हो गया, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है दोस्तों, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा है। सब कुछ ओके होने के बावजूद हमने आपको बता दिया कि वोल्टेज इशू है, इसलिए हमारा चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज एम्पियर करंट शो कर रहा है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एम्पियर मीटर पर सेव कर दिया है मीटर को। और दोस्तों एम्पियर चेक करने के लिए दोस्तों आप कुछ नहीं करना, आप सीधा यहाँ पर इस तरह लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ दोस्तों लगा लीजिए, आप देखिएगा दोस्तों 1.5 यानी 1.5 एम्पियर करंट दोस्तों इस तार से फ्लो हो रहा है। दोस्तों 1 एम का तार लगाए हैं दोस्तों। ये हमारा जो 1 एम्पीयर का तार है दोस्तों, लगभग दोस्तों यहाँ पे 5 से 8 एम्पीयर तक ये करंट आने की इसके पास क्षमता होती है। अभी दोस्तों 1.5 एम्पीयर करंट हमारा शो कर रहा है। आपको बिल्कुल ध्यान देना है। हमारा दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम लोग इस बोर्ड को बंद कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।